नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 24 जून गुरुवार का दिन है। आज दिन भर की प्रमुख घटनाओं की जानकारी इस बुलेटिन में। शुरू करेंगे बुलेटिन मुख्य सुर्खियों के साथ। नितिन गडकरी ने 6155 करोड़ की सड़क परियोजनाओं के किए लोकार्पण और शिलान्यास। पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प मामले में सीएम ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। काम न करने वाले पंचायत सचिवों की अब खैर नहीं, मंत्री वीरेंद्र ठाकुर ने मांगी सूची। कॉलेज स्कूल शिक्षकों सहित अंतिम वर्ष के छात्रों को 28 और 29 जून को लगेगा कोविड टीका। सेब के सीजन में आने वाले मजदूरों को क्वारंटाइन के निर्देश। आढ़तियों को कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। बिलासपुर जिले में विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा पटवारी। कोरोना के इस दौर में हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मनाली से दिल्ली के लिए सिर्फ 7 घंटे का सफर होगा। दिल्ली से लुधियाना तक कॉरिडोर बनाया जाएगा। रोपड़ से मनाली तक 4 लेन का काम किया जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 1 साल में 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि जलोरी टनल का काम पाइपलाइन में है। उन्होंने कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक रोड को भी डबल लेन बनाने की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि कीरतपुर मनाली 4 लेन काम देरी से हो रहा है। नितिन गडकरी ने कहा कि हिमाचल को बचाने के लिए पेट्रोल डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली कुल्लू 4 लेन हाईवे 2 साल में बनकर तैयार होगा। 6155 करोड़ से प्रदेश में एक टनल व 222 किलोमीटर लंबे 9 नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि मनाली लेह के बीच 4 टनल बनाई जाएगी। शिकुला बारालाचा तंगलंगला और लाचुरगला में इन सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। 5 दिवसीय दौरे पर कुल्लू पहुंचे नितिन गडकरी ने गुरुवार को अटल टनल का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हिमाचल दौरे के दौरान कुल्लू में पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारियों के बीच थप्पड़ लात प्रकरण की जांच शुरू हो गई है। जांच टीम कुल्लू पहुंच गई है और आज अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच का जिम्मा DIG सेंट्रल रेंज मधुसूदन को सौंपा गया है। इस घटना के बाद DGP संजय कुंडू भी शिमला से कुल्लू पहुंच गए हैं। तीनों पुलिस अधिकारियों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस प्रकरण से काफी नाराज हैं। उन्होंने 3 दिनों में जांच रिपोर्ट मांगी है। SP गौरव सिंह CBI में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे थे, इनकी मंजूरी मिल गई थी। इस विवाद के बाद उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द हो सकती है। IPS गौरव सिंह काफी तेज तरार अधिकारियों में से हैं। उन्होंने जिला कुल्लू में नशा माफिया पर बुरी तरह से लगाम कसी है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विभाग को काम न करने वाले पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सेवकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों से पंचायत सचिवों के विरुद्ध दायित्व का सही ढंग से निर्वाह न करने और काम न करने की शिकायत मिल रही है। इसमें योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। विभाग ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों में आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करना तथा ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। इनमें किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचायतों के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त धन है, इसे जनता की सेवा और उन्हें सुविधाएं देने के लिए खर्च करना जरूरी है। लापरवाह कर्मचारियों की कमियों का नतीजा आम जनता को भुगतने नहीं दिया जाएगा। विभाग काम न करने वाले कर्मचारियों की जल्द सूची तैयार करेगा, इसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में परीक्षाओं से पहले 28 और 29 जून को अंतिम वर्ष के छात्रों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों के टीकाकरण के लिए भी 2 दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। 26 जून दोपहर 1 बजे तक सभी जिलाधिकारियों को वैक्सीन लगाने वालों की सूची भेजी जाएगी। स्कूल और कॉलेज परिसरों में विशेष शिविर लगाकर 250 से 300 का टीका किया जाएगा।
18 से अधिक आयु के विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक भी वैक्सीन लगा सकेंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स BA, BSc, BCom और शास्त्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECHG की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना संक्रमण के बीच जिला शिमला में सेब सीजन शुरू हो गया है और मंडियों में सेब ने दस्तक दे दी है। वहीं जिला प्रशासन ने भी सेब सीजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहर से आने वाले मजदूरों और सेब आढ़तियों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी कर दिया है। शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने सभी SDM को बाहर से आने वाले मजदूरों को बागीचों में ही क्वारंटाइन करने और आढ़तियों को कोरोना का टेस्ट करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीजन के दौरान ट्रकों का भाड़ा तय करने और ट्रैफिक जाम ना होने के लिए प्लान तैयार करने को कहा है। उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि जिला में सेब सीजन को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। संक्रमण ज्यादा ना फैले इसके लिए बाहर से आने वाले मजदूरों को बागीचों में ही क्वारंटाइन करने को ठेकेदारों को कहा है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला में एक पटवारी को विजिलेंस ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के झबोला के पटवारी ने 10 लेहड़ा के एक व्यक्ति से जमीन की रजिस्ट्री की सेटलमेंट करवाने के लिए 50,000 रुपए मांगे थे। 40,000 में सौदा तय हुआ था। शिकायतकर्ता ने इसकी जानकारी विजिलेंस को दी। गुरुवार को विजिलेंस की टीम ने पटवारी को 40,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।